हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह एकेएस ऑटोमेशन से फिर से आपके लिए एक बार लेके आया हूँ A4 A3 हैवी ड्यूटी लिम कटर। इसके अंदर A4 हो A3 हो दोनों ही कट हो जाएगा और इसका जो ब्लेड है वो हमारे पास अवेलेबल रहता है। देखिए ब्लेड भी देख लीजिए, इस तरीके का ब्लेड है ये, 20 इंचेस का ब्लेड है। इसमें आपके 9 होल्स रहते हैं स्क्रू पे और ये कटिंग जो है ये 18 इंच के अंदर अंदर करता है। इसके अंदर आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, ब्लैक, वाइट, ग्रे, ब्लू जो अवेलेबल है उस टाइम आपको मिल जाएगा। जैसे अभी वीडियो में आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं, चीज वही रहती है, बस कलर में डिफरेंस रहता है। इसके अंदर मेन चीज है ये, देखिए पेपर सेट करने के लिए कितना पेपर सेट करना है वहां पे लाएंगे। बेस के अंदर आपको देखिए यहाँ पे पूरा नाप दिया गया है, जैसे देखिए 17.5 से जरा सा ऊपर तक कट करता है ये। और इधर की तरफ देखेंगे आप तो ये देखिए मेन साइजेस कुछ बने हुए हैं। साथ में इसके अंदर देखिए ये टूल बॉक्स आता है जो कि ये पेपर एडजस्टर में ही ये बना हुआ है। ये ब्लेड चेंज करने के लिए ब्लेड होल्डर का काम करता है। इसमें आप जैसे ब्लेड इस तरीके से चेंज करना है या लगाना है तो ये देखिए इस तरीके से इसमें होल्ड करके लगाएंगे, इस तरीके से होल्ड करके लग जाता है। इसके अंदर एंकी आता है, उसकी हेल्प से आप ये जो आप देख रहे हैं ये जब पैकिंग में आएगा ये अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, इसको टर्न करके आपको इसमें सेट करना होता है और फिर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हैंडल है वो भी पैकिंग में आपको अलग से आएगा, इस तरीके से कोई स्क्रू नहीं है कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट बस इस तरीके से इसमें सेट कर देता है। ये आपका इजी टू इंस्टॉल है और कटिंग में परफेक्ट रहता है। अब देखिए जैसे मैंने पेपर कट करके दिखाया तो सबसे पहले हमने देखिए ये जो दाब है इसको ऊपर उठाएंगे, ये 1.5 इंच का गैप रहता है, इसमें 1.5 इंच की मोटाई तक इसके अंदर इजीली पेपर आ जाता है। इस तरीके से पेपर सेट करेंगे और इसको कसने के लिए देखिए नीचे दाब लग जाएगा और ये जो है एडजस्टर है इधर लगाएंगे तो पेपर पीछे की तरफ नहीं है सरकेगा और इसको इधर से नीचे करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा, पंच हो जाएगा कि ये हिले ना। इस तरफ देखेंगे सेफ्टी के लिए लगा रहता है कवर, इसको भी हम साइड कर देते हैं। इसके अंदर रेड स्ट्रिप है, ये भी आपको हमारे पास मिल जाती है। साथ में ये देखिए बेस सपोर्ट मिल जाता है, अगर पेपर ज़्यादा बड़ा है तो इसको सपोर्ट मिल जाता है इससे। बाकी ये इस तरीके से आता है, लॉक अनलॉक है, कभी ब्लेड डायरेक्ट हाथ पे ना आए या गिरे ना, तो उसके लिए ये लॉक अनलॉक सिस्टम है। ये देखिए ब्लेड यहाँ, ये हैंडल कितना भी मैं लगा रहा हूँ नीचे नहीं आ रहा है जब तक इसको अनलॉक करके नहीं नीचे लाएंगे। कटिंग इजी है, देखिए सिंगल हैंड से मैं कटिंग करके दिखा दूंगा आपको। ये सिंगल हैंड से मैंने कटिंग की है, ये देखिए सिंगल एक हाथ से मैंने इसको प्रेस किया और इस तरीके की फिनिशिंग आ रही है। एंड टू एंड आप देख सकते हैं एक जैसी फिनिशिंग रहती है। अब इसको रिलीज कर देंगे तो इस तरीके से शीट निकल जाएगी। ये मैनुअल मशीन है, नाप आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ये कटिंग देख लीजिए एकदम परफेक्ट कटिंग करता है। इस तरीके का रजिस्टर तो इसमें 2-3 एक साथ इजीली कट हो जाएंगे। वेट इसका जो है 22 केजी है, पैकिंग के अंदर आपका 23 के अराउंड जाता है ये। इसकी स्ट्रिप मिल जाएगी हमारे पास, ब्लेड मिल जाएगा जब भी आप इन फ्यूचर आपको चाहिए, और मशीन लेने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल नोट कर लीजिए, AKS ऑटोमेशन 71 सेवक पार्क द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास में हमारा। जब भी आए कॉन्ट्रैक्ट करके आए, अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए अवेलेबल है या नहीं है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।